हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी। इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए डीआरडीओ एमटीएस के लिए एक वीडियो लेकर के आए हैं, जिसमें डीआरडीओ एमटीएस के बारे में संपूर्ण जानकारी मैं आपको दे दूंगा। आपके क्वेश्चन है कि कितने फॉर्म भरे गए हैं डीआरडीओ एमटीएस के एग्ज़ाम में, पेपर कब होगा, लेकिन मैं आपको ये बात बता दूँ जो आपको कोई नहीं बताएगा कि एक सीट पर आपका कॉम्पिटिशन कितना है, कितना स्कोर सेफ स्कोर होगा। मैंने आपसे ये नहीं बोला कि कट ऑफ कितनी होगी। कट ऑफ मैं क्या कोई भी नहीं बता सकता जब तक आप क्वेश्चंस पेपर का लेवल नहीं देख लो। यूट्यूब पे कई महान व्यक्तियों ने बता दिया कि कट ऑफ इतनी जा सकती है। अरे मेरे प्यारे भाई, पहले पेपर तो देख लो कि किस लेवल का आ रहा है पेपर, उसके बाद बताना कि कट ऑफ कितनी जाएगी। और आप लोग बड़े मज़े से वीडियो भी देखते हैं और उनकी बात को सच भी मान लेते हैं। आप लोग खुद बताओ कि जब पेपर का लेवल हार्ड होगा तो कट ऑफ कम जाएगी, पेपर का लेवल मॉडरेट होगा तो कट ऑफ बीच में जाएगी, हल्का होगा तो बहुत ज़्यादा आ जाएगी कट ऑफ। इतना तो आप लोग भी समझते हो। तो जब पेपर ही नहीं हुआ तो कट ऑफ कैसे बता देते ये लोग, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि कितना स्कोर सेफ स्कोर होगा, यानी कि कितने क्वेश्चंस आप करें जिससे आप सेफ स्कोर में जा सकते हैं। एक बात बता दूं कि डीआरडीओ एमटीएस के एग्जाम में माइनस मार्किंग नहीं है। कई यूट्यूबर्स कह रहे हैं कि 80 क्वेश्चंस करके आना, 70 क्वेश्चंस करके आना। मैं वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे कह दे रहा हूं कि 100 क्वेश्चंस करके आना पूरे, समझ रहे, बिल्कुल 100 क्वेश्चंस पूरे करके आना, क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं है यार, समझ रहे। तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए आप लोग आराम से जाकर के 100 क्वेश्चंस करके आना। जो नहीं भी आता है ना, थोड़ा सा सिक्स सेंस करके लगा देना, लेकिन क्वेश्चंस छोड़ना मत, ये ध्यान रखना, क्योंकि एक क्वेश्चंस का आपको एक नंबर मिलना है, ठीक है। और कटना जीरो है, एक भी नहीं कटेगा अगर आपका गलत हो गया। अगर आपने लगा दिया तो सोचो, अगर सही निकल गया तो आपके दोबारे नहीं आ रहे हो गए, और सही नहीं भी निकलिया तो पहले हमें कौन सा आ रहा था, वो पहले ही से नहीं आ रहा था हमें, तो कोई दुख वाली बात ही नहीं है, समझ गए। तो ये बात आप लोग जान लो। अब मैं आपको डीआरडीओ के बारे में थोड़ी जानकारी देता हूँ, ताकि आप लोग खुद समझ सकें कि हमारी जो तैयारी करने का जो लेवल होगा वो किस तरीके से होगा। देखो, सबसे पहले तो आप लोग ये बात जान लो कि 42,55,000 के आसपास आपके फॉर्म भरे हुए हैं, ठीक है। 42,55,000 के आसपास आपके फॉर्म भरे हुए हैं। अगर आपकी वैकेंसी कितनी है, आपको पता है कि 1817 डीआरडीओ एमटीएस की वैकेंसी है, ठीक है, 1817। अगर आप 1817 से 42,55,000 में भाग देंगे तो आपका जो टोटल निकल के आएगा वो 2341 को चाह रहा है, लेकिन मैंने 42,55,000 के बाद कुछ और व्यक्ति भी हैं, तो आप ये समझ लो कि 2350 बच्चा एक सीट पे है। अगर आपको एक अपनी सीट पक्की करना है ना, तो 2350 बच्चों को पीछे छोड़ना होगा, इस बात को ध्यान रखना। आप ये नहीं सोचो कि डीआरडीओ एमटीएस की वैकेंसी है, आराम से कर लेंगे, माइनस मार्किंग है नहीं है, आराम से चली जाएगी। तुम मेहनत नहीं करोगे, कोई दूसरा मेहनत करेगा। जब आपका सिलेक्शन नहीं होगा तब आपको समझ में आ जाएगा कि दूसरे ने मेहनत करी, दूसरे ने नौकरी ली, हमने मेहनत नहीं करी इसलिए हमारी नौकरी नहीं लगी, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि 2350 हर सीट पे एक बच्चा है। अरे 2350 में से मैं आपको ये कह दे रहा हूँ कि 1,500 बच्चा ऐसा है जो फॉर्म भर देता है, केवल तैयारी नहीं करता। फिर भी आपके पास 1,000 बच्चा तो ऐसा है जो आपको कॉम्पिटिशन देगा, तो उन 1,000 बच्चों को कैसे पीछा करने, सोचो, रोज सोचो, ये ध्यान रखना। अगर आपको डीआरडीओ एमटीएस में नौकरी चाहिए, और आप ध्यान रखना कि ये लोग डीआरडीओ एमटीएस वाले टायर टू में साइंस लेके आ रहे हैं, साइंस आपकी 40 नंबर की आनी है टायर टू में डीआरडीओ एमटीएस के एग्जाम में, ये ध्यान रखना। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो जीके आएगी ना, जीके डीआरडीओ एमटीएस के टायर फर्स्ट में, कम से कम 3-4 क्वेश्चंस आपके साइंस के होंगे, केवल कम से कम 3 से 4 क्वेश्चंस, 5 भी कह दो तो कोई कम नहीं होगा, समझ रहे। क्यों? क्योंकि इन्हें पता है कि हमको टायर टू में साइंस लेके आने हैं, तो वो ऐसे ही बच्चों को लेकर के आएंगे जो टायर टू एक्चुअल में क्रॉस कर पाए। ये बात मतलब कोई समझेगा नहीं, इतनी डीपली बात है ये, समझ रहे। तो ये ध्यान रखना कि आपको साइंस में अच्छी पकड़ करनी होगी अपनी, ठीक है, और जनरल अवेयरनेस में आपको अच्छी पकड़ करनी होगी अपनी, ठीक है।
क्योंकि आपको समझ में आ गया, केवल मैंने ही बताया कि 2350 बच्चे हैं एक सीट पे, एक सीट चाहिए है ना, तो 2350 बच्चों से आगे निकलना पड़ेगा, और आगे कैसे निकलने हैं वो तुम जानो। क्यों? क्योंकि मैं तैयारी करवा रहा हूँ, आप लोग उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो। जाओगे मेरी प्रोफाइल में देखोगे DRDO MTS से 7 से 8 वीडियो प्रोवाइड करवा दी। क्यों? आप लोग व्यूज़ नहीं दे रहे हो। क्यों नहीं दे रहे हो वो मुझे नहीं पता। देखना किस तरीके से मैं आपको हर चीज़ क्लियर कर रहा हूँ, कितनी अच्छी वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों को लग नहीं रहा है। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि 1817 वैकेंसी है, हर सीट पे 2350 बच्चा है। ये ध्यान रखना, DRDO की अगर आप पिछला रिकॉर्ड उठा करके देखोगे ना, 3 से 4 महीने के अंदर एग्जाम करवा लेता है DRDO डिपार्टमेंट। तो आप ये समझ सकते हैं कि आपका एग्जाम मार्च से अप्रैल में हो सकता है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, और फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मार्च से अप्रैल के बीच आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, तो आप केवल और केवल 2 महीने मानो आप अपने लिए, क्योंकि जनवरी तो खत्म हो ही गया, फरवरी स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो फरवरी मार्च यही 2 महीने मानो तैयारी के लिए, फिर आपकी मर्जी है। ठीक है, एक बात और जान लो, कितना सेफ स्कोर रहेगा, माइनस मार्किंग है नहीं है। 100 क्वेश्चंस हमको करना है, 100 क्वेश्चंस करने का मतलब ये नहीं है, देखो 90 मिनट्स आपको मिल रहे हैं, 90 मिनट्स। प्रैक्टिस बुक मैंने आपको बताई है, रुकमणी पब्लिकेशन की खरीद लेना, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, वहां पर मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, अब आपको 100 क्वेश्चंस करने हैं 90 मिनट में, आप नहीं कर पाओगे अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है, इस बात को ध्यान रखना। कम से कम 25 सेट पेपर की प्रैक्टिस होने चाहिए आपके पास, 25 सेट पेपर की प्रैक्टिस करना है आपको। अगर 2 दिन में भी 1 सेट पेपर लगाओगे तो 50 दिन में 25 सेट पेपर लग जाएंगे। आपको आइडिया मिल जाएगा कि DRDO किस तरीके से एग्जाम करवाता है। DRDO के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस मैंने मैंने सोल्व करवाए हैं, तो वहां से आपको ये आइडिया मिलेगा कि DRDO क्वेश्चंस पेपर का लेवल कैसा बनाता है, समझ रहे ना। तो ये सारी बातें आप जान करके रख लो। कितना सेफ स्कोर होगा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि माइनस मार्किंग है नहीं है, तो मतलब जितने भी लोग पेपर देने जाएंगे, अगर उनके दिमाग में ये बात है कि माइनस मार्किंग है तो वो कम करके आएंगे, तो वो वैसे ही डूब जाएंगे। तो 100 क्वेश्चंस करके आना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, और सेफ स्कोर होगा आपका 75 से 80 के बीच। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 75 से 80 के बीच आपकी कट ऑफ जाएगी, कट ऑफ तो केवल और केवल पेपर का लेवल देख के ही बता सकता हूँ। सेफ स्कोर इतना हो सकता है कि आप 75 से 80 क्वेश्चंस हर हालत में सही करके आओ। क्यों सही करके आओ? क्योंकि देखना, 80 क्वेश्चंस भी आपके सही निकल रहे हैं तो इसका मतलब 20 गलत हैं आपके, और 20 गलत बहुत क्वेश्चंस होते, ये ध्यान रखना, समझ रहे। इसलिए मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि पहले उन क्वेश्चंस को कर लेना जो आपको 100% COT के साथ आते हैं, फिर जितने भी क्वेश्चंस बचे उन पे टिक जरूर लगाना, क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं है। माइनस मार्किंग होती तो मैं आपसे पहले ही बोल देता कि आप लोग ज्यादा क्वेश्चंस को छेड़ना नहीं, क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं है तो उस चीज का फायदा उठाना, इस बात को ध्यान रखना, समझ रहे। और DRDO MTS का सिलेबस तो आप सभी लोगों को पता है, रीजनिंग और मैथ 35 नंबर की आनी है, GK 30 नंबर की आएगी, यानी कि 30 क्वेश्चन 90 मिनट आपको दिए जाएंगे, इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि Tier 2 में साइंस ज्यादा पूछी जाएगी। इसलिए ये DRDO वाले कोशिश करेंगे कि Tier 1 में कम से कम 5 क्वेश्चंस तो साइंस के दें, ताकि बच्चों को, मतलब हमें ये समझ में आ जाए कि बच्चों को एक्चुअल में साइंस आती भी है या वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाए या नहीं कर पाए, समझ रहे। क्योंकि अगर आप Tier 1 क्रॉस कर लोगे ना, तो Tier 2 में आपको दिक्कत आने वाली है, क्योंकि वहां पर साइंस इंग्लिश और मैथ आनी है। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखो, थोड़ा दिमाग से सोचा करो, भीड़ की तरफ नहीं भगा करो कि सबने बता दिया कि 70 कट ऑफ जाएगी, 80 कट ऑफ जाएगी, 90 कट ऑफ जाएगी। कट ऑफ कैसे बता सकते भाई, जब तक क्वेश्चंस पेपर का लेवल तो देख लो पहले कि किस हिसाब से क्वेश्चंस पेपर आया, फिर आप कट ऑफ बता सकते हो। इसलिए मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, मैं कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको सेफ स्कोर बता रहा हूँ। और ये भी बता दिया कि 2350 एक सीट पे बच्चे हैं, आपको कितने बच्चों को पीछे छोड़ना है ये सच्चाई मैंने आपको बता दी। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर कर देना। और हाँ, अभी भी मैं आपको DRDO MTS की तैयारी करवा रहा हूँ और करवाता रहूँगा जब तक एग्ज़ाम ना हो, लेकिन फैसला आपके हाथ में है कि आपको वीडियो अच्छी देखना है या केवल भीड़ की तरफ भागना है, बाकी आपके हाथ में है। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोज आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।